सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज बात करते हैं इम्पॉर्टेंट अपडेट अबाउट बिटकॉइन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टेप इन की क्विक अपडेट, क्योंकि मैं आपको यहां पे बहुत कुछ बताने जा रहा हूं स्टेप इन के बारे में, कैसे मैंने क्विक रिकवरी करी, कैसे आप क्विक रिकवरी कर सकते हो। और आई रियली होप कि हमारी कम्युनिटी में सभी लोगों का सीड मनी अभी तक वापस आ चुका हो। मैं क्या कुछ कर रहा हूँ स्टेप इन के अंदर फिलहाल, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और आई विल अगेन से आई एम नॉट गिविंग यू एनी फाइनेंशियल एडवाइस, मैं वही बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो अगर आपको सही लगे तो उसको फॉलो करिए, नहीं लगे तो उसको फॉलो मत करिए, बिकॉज क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं बिटकॉइन की क्विक अपडेट क्या लग रहा है मार्केट के अंदर और आपको क्या करना चाहिए और स्टेपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कितने दिनों में हम रिकवरी कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जिससे आप बहुत स्पीड पे और ज्यादा पैसा बना पाएंगे स्टेपिंग के ऊपर। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें फिलहाल BTC की, तो BTC तो $29,800 चल रहा है और आप देख सकते हो कितने दिन हो गए हैं ये 4 आवर्स की कैंडल है, ये इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा जो कि 31,300 की है। और यहाँ से $26,700 तो एक ही बार गिरा था, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने सपोर्ट बनाया है BTC ने लगभग 28,700 का, इसको भी तोड़ नहीं पा रहा, तो टोटल रेंज बाउंड में चल रहा है BTC अभी फिलहाल। ये कहना कि ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा या यहाँ से नीचे चला जाएगा ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपको भाई इतना कहूँगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे ही 31,300 पार होता है तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर यहाँ से 28,700 से गिरता है तो वहाँ से गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैं ज़्यादा ट्रेड तो ले ही नहीं रहा हूँ, मैंने SIP के ऊपर 2 एंट्रीज ली है और मैं वहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग करता जा रहा हूँ, प्रॉफिट बनाता जा रहा हूँ और मैं उसको एग्जिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने SIP के ऊपर अच्छी खासी डिप में एंट्रीज ली है, जैसे कि डॉट कॉइन मेरे को मिला है $7.5 के आसपास, ऐसे ही बाकी सब कॉइन भी मेरे को काफ़ी बॉटम प्राइस के ऊपर मिले हैं। तो आई एम रियली नॉट स्केयर्ड अबाउट द मार्केट, बेशक कहीं यहाँ से और कितना भी गिर जाए, मेरी ये एंट्री स्ट्रिक्टली $21,000-$22,000 के आसपास ही रहेगी अगली SIP के ऊपर और अगली $60,000 के ऊपर ही रहेगी। और मार्केट यहाँ से अगर ऊपर चली गई तो मेरे पास 2 एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है और आई रियली होप कि आप लोगों के पास भी वो एंट्रीज हो चुकी है। तो फिलहाल ज़्यादा मार्केट से पंगे लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट अभी फिलहाल ऐसी रेंज में चल रही है जहां से मार्केट कभी भी आपको मार्केट रेड दिखाई दे सकती है। और अगर आपको मार्केट ने ये रेंज को क्रॉस किया जो कि $31,500 के आसपास की है, इसको क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर की तरफ ग्रीनरी में भी आपको काफ़ी दिखाई दे सकती है। तो अभी वेट करो जब तक ये दोनों में से कोई ना कोई एक एरिया ब्रेक नहीं हो जाता। अब चलते हैं स्टेप इन के, बात करते हैं, मैं आपको लेके जाना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर, आईपैड की स्क्रीन के ऊपर, जहां से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी स्टेप इन के रिगार्डिंग और कैसे आप। सो गाइस, यहां पे स्क्रीन के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हैं। आपको हर शूज को 50 out of 100 से पहले रिपेयर करना जरूरी है। मैं आपको सीधा स्ट्रेट अवे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितने दिनों में आप रिकवरी कर सकते हो और मैंने अभी तक क्या किया है अपने अकाउंट के अंदर। आपके पास अगर लकीली अगर आप वॉक करते हो और आपके पास ग्रीन मिस्ट्री बॉक्स आ जाता है अगर आपके पास, तो उसको ज़रूर ओपन करना, बिकॉज उसके अंदर जो जेम निकलेगा उसकी कॉस्ट काफ़ी अच्छी होगी और आपको उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर दूसरे मिस्ट्री बॉक्सेस है उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात करूंगा क्रिएट एवरेज बाय सेलिंग डेली सो यू कैन रिकवर, यानी कि फोकस करो अपनी रिकवरी के ऊपर, यानी कि अगर आज टोकन का प्राइस 2.80 है तो 2.80 पे सेल करो, कल 3 है तो 3 पे सेल करो, कल 3.20 है तो 3.20 पे सेल करो। इस तरीके से आप अपनी रिकवरी के ऊपर पहले फोकस बनाओ ताकि आपका पैसा पहले रिकवर हो जाए और आपके पास वापस आ जाए। उसके बाद अगर आपको शूज सेल करने हैं तो शूज सेल करके आप अपने फंड को 2x कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको वॉक करना है, अगर आपको सेल नहीं करना, तो आप डेली वॉक करके डेली रिटर्न हासिल कर सकते हो। डोंट कीप टेस्टिंग, फर्स्ट टेक आउट द सीड मनी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं जो कि मिंटिंग कर रहे हैं, जो कि जेम्स निकाल रहे हैं, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन पहले आप अपना सीड मनी बाहर कर लो, उसके बाद ही ये सारे की सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस करो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है ट्रेडिंग जो कि हो रही है स्टेप इन के अंदर, यानी कि शूज़ कहीं पर मिल जाता है 10 SOL का, और अभी तो फिलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है BNB के टोकन का, जिसके बारे में आज इस वीडियो में इम्पोर्टेंटली बात करेंगे, जो कि चल रहा है लगभग $27 का, यानी कि GST टोकन का प्राइस सोलाना चेन के ऊपर है 3 SOL और 3 GST डॉलर का, और यहीं पे BNB का रेट है इस वक्त 28
डॉलर्स का, सॉरी मैं लेफ्ट हैंडर नहीं हूँ, आपके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, $28 का BNB के ऊपर रेट है। फ़र्क दोनों में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सोल चेन है, ये सोल चेन इन्होंने बनाई और ये सबसे पहले इसके ऊपर वर्क करी, इसके ऊपर हज़ारों लाखों लोगों ने मिंटिंग करी है, बहुत सारे शूज़ हैं। जबकि अगर हम बात करें BNB की, तो BNB के ऊपर अभी मिंटिंग बहुत कम हुई है, बहुत कम शूज़ है, अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि मिंटिंग नहीं हुई है ज़्यादा, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और शूज़ कम है, तो इसके ऊपर रेट ऑफ GST टोकन एक्सट्रीम हाई है जो कि 9x के करीब फिलहाल चल रहा है। लेकिन इट इज़ वेरी रिस्की ओवर हेयर एज वेल, क्योंकि यहाँ पे शूज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा है। अब हम बात करते हैं हम कितने दिनों में रिकवरी कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको कुछ समझाना चाहूँगा और एक बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको देना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखा है, रिकवरी अगर हम करना चाहें और अगर हम एक सोल का शूज़ लें, अगर आपका फंड कम है और आपके पास $650 ही है, तो आप एक सोल का जूता ले सकते हो 13 सोल में, जो कि मिलता है $650 आपके पॉकेट से लगते हैं, आपको मिलेगी 2 एनर्जी और 10 टाइम आप पेड करे जाओगे हर रोज, यानी कि आपको 10 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी। अब अगर आप day 1 में वॉक करते हो तो आप बनाओगे लगभग 11 GST। अब आप अपग्रेड लेवल 6 करने में, आपको करने में आपके 6 GST लग जाएंगे, और जूते को रिपेयर करने में आपका बहुत ही कम पैसा लगेगा जो कि 11 GST मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो आपके 5 GST सेव हो जाएगा। day 2 के अंदर आप कमाओगे 12 GST और अपग्रेड करने में आपके 7 GST चले जाएंगे, 5 GST आपका सेव हो जाएगा। ऐसे ही day 3, ऐसे ही day 4, day 4 के अंदर आपको level 9 अपग्रेड करना है जहाँ पर 10 GST एंड 10 GMT लगेंगे, GMT को मैंने कन्वर्ट कर लिया GST में, तो लगभग 14 GST लगेंगे, 17 GST में कमा रहा हूँगा, 3 GST मेरे बचेंगे। day 5 को 7 GST बचेंगे, day 6 को 7 GST बचेंगे, 7, 8, 9, 10 डे को हमारे पास टोटल 22 GST बचेंगे अपग्रेड करने करते करते लेवल 15 तक जाने में। अब हम लेवल 15 पे पहुंच चुके होंगे और डे 10 तक हमारे पास 56 GST होंगे जो कि बच गए होंगे, और हम लेवल 15 अचीव कर चुके होंगे। जब हम ये अचीव कर लेंगे तो हम 11 से 20 डे तक वॉक करेंगे, यानी कि 10 दिन और लगातार वॉक करेंगे, और हमारे को रोज के 19 GST आएंगे, 10 बार आएंगे तो 190 GST हमारे को मिलेंगे टोटल मिला के 10 दिनों के अंदर, और 190 GST, और पहले हमने सेव कर दिए 56 GST, अगर मैं इनको $3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 736 GST डॉलर्स मेरे पास वापस आ जाते हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी $650 की, यानी कि लगभग 18 डेज के अंदर मैं कह सकता हूँ मेरा फंड जो है यहाँ पे रिकवर हो जाता है, 20 डे के अंदर मैं प्लस में आ जाता हूँ अगर मैं सिर्फ एक शूज़ के चल रहा हूँ। यहीं पर मैंने जो बेस्ट स्ट्रेटजी इसके ऊपर काम किया वो है 9 शूज़ वाली, जो कि है जिसके अंदर की एक अनकॉमन शूज़ लिया मैंने, जिसके ऊपर कि आपको हर लेवल अपग्रेड पे 3 पॉइंट 6 पॉइंट मिलते हैं एट्रीब्यूट में ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे आपको 3 एनर्जी भी मिलती है, यानी कि 1 एनर्जी भी एक्स्ट्रा मिलती है। तो 8 कॉमन शूज़ और 1 अनकॉमन शूज़, अगर आपके पास फंड थोड़ा ज़्यादा है तो आप रिकवरी करना चाहते हो, उससे थोड़े से कम दिनों में आप रिकवरी कर सकते हो। अगर आप सोलाना के ऊपर ही काम कर रहे हो, क्योंकि सोलाना जो है फिलहाल चीप है, BNB जो है थोड़ा एक्सट्रीम महंगा है, तो अगर हम बात करें, अगर हम एक अनकॉमन जूता लेवल 25 का ले लेते हैं, स्ट्रेट अवे लेवल 25 का जूता ले लेते हैं, 55 सोल हमारी जेब से जाते हैं, 8 कॉमन शूज़ ले लेते हैं, 96 सोल हमारी जेब से जाते हैं, यानी कि मैंने उसकी अप्रॉक्स फिगर्स लगाई है, $4,855 हमारे लगते हैं, अप्रॉक्स मैं कहता हूँ $5,000 हमारी पॉकेट से चले जाते हैं। अब आपको 10 एनर्जी रोज मिलेगी, यानी कि 50 टाइम्स आप रोज पेड आपको पैसा मिलेगा, हर रोज जब आप 50 टाइम चलोगे आपको 2 GST 2.2 GST एवरी वॉक मिलेंगे, एवरी मिनट मिलेंगे, यानी कि अगर 50 बार पेड करते हो तो आपको 120 GST मिलेंगे, तो 20 मैंने रिपेयर में लगा लिया तो 100 GST मेरे पास बच जाएंगे day 1 पे। day 16 तक अगर मैं चलता रहूँगा तो मेरे पास 1600 GST हो जाएंगे, $3 का अगर प्राइस एवरेज अगर रहता है तो मेरे $4,800 16 डेज में रिकवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे बुरा क्या हो सकता है, अब बुरा क्या हो सकता है उसकी बात मैं कर सकता हूँ कि अगर ये प्राइस $3 का $1.50 हो जाता है तो ये रिकवरी मेरी 16 दिन की शायद 32 डेज में होगी, लेकिन रिकवरी रिस्क जो है वो ज़्यादा फिलहाल इतना भी ज़्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आप कह सकते हो सेफ अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम लगभग 30 दिनों के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी वापस ले सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रेटजी पे चलते हैं, एक अनकॉमन जूता लेवल 25 का स्ट्रेट अवे बाय कर ले, अगर हम 55 सोल अगर पॉकेट से दे सके अगर हम, और 8 कॉमन शूज़ अगर ले पाए 96 का, ये जो हम शूज़ लेंगे 55 सोल का, ये मेक श्योर करिएगा अगर आप ले रहे हैं तो एफिशिएंसी इस शूज़ की कम से कम 140 से ज़्यादा की हो, 140 से कम की ना हो, तभी आप 2.2 GST पर मिनट बना पाओगे। तो इस तरीके से आप अपनी 16 डेज में रिकवरी कर सकते हो, और ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे जो कि आपको करने जरूरी है। अब हम चलते हैं, एक बार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको बताना चाहूँगा BNB के कुछ बारे में भी। अगर हम यहाँ पे BNB की बात करें तो BNB के ऊपर
एक शूज आपको मिल रहा है लगभग 18 BNB का, 18 BNB हो गया लगभग लगभग $5,500 के आसपास। $5,500 का अगर आप एक शूज लेते हो तो आपको 2 एनर्जी मिलती है, आप सेम तरीके से पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एक बार मैं उसी एग्जांपल पर चलता हूँ, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ। आपको रोज़ के मिलेंगे लगभग 11 GST के अराउंड, जिसमें से आपके 3 GST, 1 GST के करीब रिपेयर पे लग जाएगा, 6 लेवल पे जाने के लिए आपके 5 लग जाएंगे, तो आपको 4-5 GST बचा करेंगे रोज़ के। 1 GST की कॉस्ट लगभग वहाँ पे चल रही है $28। मैं कैलकुलेशन अगर लेता हूँ $10 से भी, और $10 का रेट भी अगर मेंटेन होता है तो वहाँ पे भी हम 20-25 डेज के अंदर अपने फंड को रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर जो रेट अभी मेंटेन चल रहा है BNB का, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे हम रिकवरी शायद अपनी 15 दिन के अंदर आसपास कर सकते हैं, और वो भी एक बड़े फंड की कर सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको BNB चेन के ऊपर जाना है कि नहीं जाना। मैं फिलहाल BNB चेन के ऊपर इसलिए काम कर रहा हूँ कि मैंने और आपने सब ने 2nd of April को हमने ये जर्नी को स्टार्ट किया था, और आज हो गया 25th of May, यानी कि हमारे को हो गया लगभग 53 डेज। मैंने आपको रिकवरी प्लान बताया है जहाँ पे हम 16 दिन के अंदर रिकवरी करते हैं, हमने फिर भी 40-45 डेज में रिकवरी करी थी। रीज़न बीइंग, हमने नए थे हम लोग, हमारे को स्ट्रेटजीज बनानी थी, हमारे को तरीके करने थे। अब हमारे पास स्ट्रेटजीज पूरी आ चुकी है, कैसे काम करना है हमारे को समझ आ चुका है, कैसे हमारे को रिकवरी फंड को करना है हमें समझ आ चुका है। तो अभी फिलहाल हमारी रिकवरी एवरेज अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 दिनों के अंदर हो जाती है, जहां पे BNB चेन के ऊपर हम रिकवरी कर सकते हैं लगभग 15 से 20 दिनों के आसपास ही, शायद उससे भी पहले, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हाई है। मैं रेट हाई वाले को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं $10 से ही मल्टीप्लाई करके चल रहा हूँ। मैं 20 दिनों के अंदर रिकवरी कर सकता हूँ, लेकिन अगर 28-30 का जो रेट चल रहा है फिलहाल, अगर वही रेट रहता है तो मैं शायद 10 दिनों में भी रिकवरी कर जाऊँ। वहाँ पे रेट एक्सट्रीम हाई है, तो अगर आप एंट्री लेते हो BNB चेन के ऊपर, आपको बस यही कहूँगा, वहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और आने वाले टाइम के अंदर बी प्रिपेयर्ड, GST की अर्निंग कम हो सकती है, यानी कि हो सकता है हमारे को जहाँ पे 2 टोकन GST के मिल रहे हैं वहाँ पे 1 टोकन मिलना शुरू हो जाए आने वाले टाइम में। तो ऑलवेज आई ऑलवेज टेल यू कि एडवांटेज लो बिगनिंग के अंदर जुड़ने का। बिगनिंग में जुड़ने का जो फ़ायदा है वो कहीं नहीं है, तो हम लोग बहुत पहले बहुत शुरुआत में जुड़े हैं, तो आई रियली होप कि हमारी पूरी कम्युनिटी उसका फ़ायदा उठा रही है। BNB चेन को एक बार अगर आपके पास अच्छा फंड है तो आप उसको नज़र में रख सकते हो, बिकॉज मैं उसके ऊपर ज़रूर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10th of May को अपना फंड पूरा रिकवर कर लिया था, एंड आई रियली होप कि आप लोगों ने भी कर लिया हो। तो उसके बाद मैं BNB चेन पे मूव किया हूँ आज से लगभग 6 दिन पहले, और 6 दिन पहले से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और गजब रिजल्ट आ रहा है बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने एंट्री करी थी $9 के ऊपर, $9.5 के ऊपर जब BNB चेन का था टोकन, और अब वो हो गया है $28 का, तो फॉर श्योर मेरी रिकवरी तो हो गई है, 6 दिन के अंदर ये रिकवरी नियरली हो चुकी है। तो अभी अगर वही रेट मेंटेन रहता है हम रिकवरी बहुत स्पीड पर कर सकते हैं, लेकिन रेट गिर जाता है तो हमें उसके लिए प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ एक एडवांटेज है, बिकॉज BNB चेन के ऊपर ज़्यादा लोगों ने फोकस नहीं किया, ज़्यादा शूज मिंट नहीं हुए, तो डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, और उसके ऊपर सप्लाई जो है फिलहाल कम है, जिसकी वजह से रेट जो है GST टोकन का ज़्यादा बन रहा है, बढ़ रहा है, बिकॉज GST वहाँ पे कम लोग जनरेट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। जब लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फॉर श्योर धीरे धीरे वहाँ पे भी कमी आनी शुरू हो सकती है। तो मेक श्योर क्विकली उसको आप अगर एडवांटेज लेना चाहो तो ले सकते हो, बट ओनली देन जब आप क्रिप्टो के प्रॉफिट एंड लॉस को जानते हो, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, एंड चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी भी उस चीज़ों का फ़ायदा उठा पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड आई रियली होप हमारी कम्युनिटी में सभी लोग स्टेप इन के ऊपर नियरली अपना फंड एटलीस्ट रिकवर कर चुके हो। और हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा, क्या हमारे को अब स्टेप इन के ऊपर जुड़ना चाहिए? तो मेरा आंसर सिंपल सा है, हर प्लेटफॉर्म का, जब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आता है उसका एक सैचुरेशन लेवल होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी 4 मिलियन के करीब यूजर जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 50 मिलियन होंगे, उसके बाद यस कहीं ना कहीं सैचुरेशन ज़रूर आएगा। बट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नई नई चीज़ें लाता रहेगा ताकि लोग जो इतने सारे जुड़ गए हैं उनमें से काफ़ी लोग उस एक्टिविटी के अंदर पार्ट लेंगे, और एट द एंड यूज़ केस टोकन का बना रह सकता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से मार्केट में इसका फ्लो बन रहा है, और BNB के ऊपर ये काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो राइट नाउ वी आर सेटिंग एट क्वाइट गुड स्टेज, और एटलीस्ट हम अपने प्रॉफिट को निकाल चुके। तो अगर आप अभी एंट्री लेने का सोच रहे हो, ले सकते हो, इट इज़ नॉट दैट रिस्की, बट येस हो सकता है आपको 20 दिन की जगह 40 दिन लग जाए रिकवर करने में फंड, अगर यहाँ से प्राइजेस गिर जाते हैं तो। लेकिन रिस्क फैक्टर विल बी लेस, बिकॉज
फंड तो रिकवर हो ही जाएगा, चाहे 20 दिन चले, चाहे 40 दिन चले, चाहे 60 दिन चले, रिकवरी तो हो ही जाएगी। यह स्लो ज़रूर हो सकती है, बट रेट हाइक का, प्राइस का, फैक्टर का फ़ायदा मेरे हिसाब से हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी उठा चुकी है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपना और रिव्यू क्या चल रहा है आपके स्टेप इन अकाउंट के अंदर, कैसे आप अर्निंग कर रहे हो वो बताना भी मत भूलिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।